करुण साहब, आपने कहा था फूड डेकोर के लिए आएंगे, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। बहुत खुश लग रहे हैं। अगर शाम को घर लौट कर आ जाए तो ना चाहते भी खुश होना पड़ता है। आपको मेरा यूं इन्वॉल्व होना बुरा तो नहीं लग रहा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरी बेला से उनके आने की खुशी में आप पूरा घर सजा दें। अभी उन्होंने जो किया वो उनकी अपनी सोच है। अबीर के हमजा का घर है, इस घर का बेटा है और अमल इस घर की बहू है। हमें उनका वेलकम करना चाहिए। मेरा तो आप हमेशा सबकी नजर में अच्छा बनने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? अगर आप ये ना भी करें ना, तब भी सबको पता है कि आप अच्छे हैं। आप नहीं चाहती कि हमजा इस घर में वापस आए? नहीं, मेरा मतलब मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूंगी? तो फिर आप ये बिहेव क्यों कर रही हैं? क्योंकि मुझे उनके चेहरे से नफरत है और अब सुबह शाम वो शख्स मेरी नजरों के सामने रहेगा। अबीर, ये हमजा का भी घर है, हम उसे आने से कैसे मना कर सकते हैं? अच्छा खासा मामू के पास जा रही थी, उन्हें भी अभी ट्रेवल करना था। चली जाती तो जान छूट जाती इस झंझट से। आप क्यों इस बात को अपने सर पे सवार कर रही हैं? शादी हो चुकी है इस इंसान की, अपनी बीवी के साथ आ रहा है वो यहाँ पे। हम दोनों का उसे क्या लेना देना है? नहीं है कोई लेना देना, लेकिन फिर भी एक बार मैं उनसे सवाल जरूर करना चाहती कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, शादी से इनकार कर देते। इस तरह मुझे जलील तो ना करते। कुछ सवाल जो आप बेमायने होते हैं, जैसे कुछ लोग हमारी जिंदगी में बेमायने होते हैं।